प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण का पाठ 6 उपसर्ग पढ़ेंगे। यह पाठ दो व्याख्यानों में बंटा है। इसके व्याख्यान 1 में आप उपसर्ग की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उपसर्ग के भेद व स्मरणीय बिंदुओं के बारे में जानेंगे तथा इसके व्याख्यान 2 में जो है हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे और व्याख्यान 1 में दिए गए गृह कार्य की चर्चा करेंगे। तो आज इस पाठ का व्याख्यान 1 है, जिसमें मैंने अभी बताया कि हम पढ़ेंगे उपसर्ग की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसके भेद व उसके स्मरणीय बिंदु। तो चलिए इस पाठ के व्याख्यान 1 को शुरू करते हैं। सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग वे शब्दांश या अव्यय हैं। अव्यय क्या होते हैं? देखिए, शब्द है अव्यय। व्यय मायने खर्च करना और अ मायने नहीं, जिसे खर्च करने पर कुछ भी नहीं लगता, तो अव्यय यानी अव्यय। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग शब्दांश होते हैं, पूरी तरह से शब्द नहीं है, शब्दों के अंश हैं, जो किसी भी शब्द के आरंभ में जुड़कर, कहाँ जुड़ते हैं बेटा? आरंभ यानी शुरू में, उसके अर्थ में, मूल शब्द के अर्थ, यानी उसका अर्थ कौन सा? जो मूल शब्द था उसके अर्थ में क्या ला देते हैं? विशेषता ला देते हैं, या कई बार तो उसके अर्थ को ही बदल देते हैं। जैसे प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश, उपकार, ये कुछ उदाहरण हैं। प्रसिद्ध में सिद्ध मूल शब्द है, प्र उपसर्ग लगा है। इसी तरह अभिमान में अभि उपसर्ग मान मूल शब्द है। विनाश, नाश मूल शब्द, वि उपसर्ग, उपकार उप उपसर्ग और कार मूल शब्द है। तो इसमें से अगर हम उपसर्ग निकालें तो क्या निकलेंगे? प्र, अभि, वि और उप। एक बार फिर से करते हैं इसे। उपसर्ग वे शब्दांश या अव्यय हैं, जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में, यानी मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दें या उसका अर्थ ही बदल दें। जैसे प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश, उपकार, इनमें क्रमशः प्र, अभि, वि और उप उपसर्ग हैं। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से बना है। यह दो शब्दों उप जमा में सर्ग के योग से बनता है। जो उपसर्ग शब्द है वो किन दो शब्दों का योग है? उप जमा में सर्ग। उप का अर्थ है समीप, निकट या पास में। क्या अर्थ है उप का? समीप, निकट या पास में। और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। सर्ग का क्या अर्थ है? सृष्टि करना। तो उपसर्ग का क्या अर्थ हुआ? तो उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठा कर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। पास में बैठा कर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। फिर से करते हैं इसे। यह दो शब्दों उपजमा सर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ है समीप, निकट या पास में। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। तो उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठा कर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। हार के पहले, अब देखो हार हमारे पास क्या है, एक उदाहरण ले रहे हैं हम यहाँ। हार के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो एक नया शब्द प्रहार बन जाता है, जिसका नया अर्थ हुआ मारना। तो पहले तो देखो बेटा, हार, हार एक तो होती है पराजय और दूसरा हार होता है गले में पहने जाने वाला हार। अब कहाँ तो हार का अर्थ है पराजय या गले में पहना जाने वाला हार, और कहाँ प्र उपसर्ग लगा देने पर ये एक नया शब्द बना प्रहार।
और जिसका नया अर्थ हुआ मारना। ठीक है। उपसर्ग की तीन गतियां या विशेषताएं होती हैं। बेटा अब हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग की विशेषताओं के बारे में। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं कि उपसर्ग की कितनी विशेषताएं होती हैं, तीन। उसमें पहली विशेषता है किसी भी शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। जहाँ यहाँ जो है दो उदाहरण लिए हैं मैंने। प्रजमा में बल प्रबल, बल यानी शक्ति और प्र जोड़ दिया तो उसकी विशेषता अर्थ में कैसे आई, शक्ति के साथ, प्र मायने के साथ, प्रबल बल के साथ यानी शक्ति के साथ। दूसरा है अनुजमा में शासन, शासन राज करना, और अनुशासन अनु जोड़ने पर, अनु उपसर्ग लगाने पर यहाँ हो गया शासन के पीछे पीछे चलना, नियमों के कानूनों के पीछे पीछे चलना। तो यहाँ पर जो अर्थ है उसमें क्या आ गई है बेटा, नई विशेषता आ गई है। फिर से करते हैं, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। दो उदाहरण लिए हमने, प्रजमा बल प्रबल, अनुजमा शासन अनुशासन। बेटा शब्द के अर्थ को उलट देना, उलट देना मैंने उल्टा कर देना। सत्य मैंने सच्चाई, और अ जोड़ दें असत्य तो झूठ। सत्य मैंने सच, और असत्य कर दें अ उपसर्ग जोड़ दें तो अर्थ उलट गया, क्या बन गया, झूठ। यश, यश मायने अच्छी कीर्ति, और उसमें अप जोड़ दें तो वो बन जाएगा बुरी कीर्ति, बुरी ख्याति। तो अर्थ ही शब्द का क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो दूसरी विशेषता हमने क्या पढ़ी, शब्द के अर्थ को उलट देना। उदाहरण हमने कौन कौन से लिए, अ जमा सत्य असत्य, अप जमा यश अपयश। तो तीसरी विशेषता है बेटा, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूल अर्थ के इर्द गिर्द यानी चारों ओर उसके आसपास अर्थ प्रदान करना। उदाहरण लिए हमने, शुद्ध शुद्ध मायने साफ, और वी उसमें जोड़ दिया तो उसका अर्थ भी इसके ही लगभग होता है, इसके ही चारों ओर रहता है, वी शुद्ध शुद्धता के साथ। शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन न करके मूल अर्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। उदाहरण हमने क्या लिया, वी जमा में शुद्ध। उपसर्ग के भेद, अब हम बढ़ रहे हैं किस ओर बेटा, उपसर्ग के भेदों की ओर। कितने भेद हैं उपसर्ग के, चार। पहला तत्सम यानी संस्कृत भाषा के उपसर्ग। संस्कृत भाषा के ऐसे बहुत से शब्द हैं जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं। उसी तरह कुछ शब्दांश भी संस्कृत भाषा के हैं जिनका प्रयोग जो है हिंदी भाषा में किया जाता है। तो ये हुए तत्सम यानी संस्कृत भाषा के उपसर्ग। दूसरा है बेटा तद्भव यानी हिंदी भाषा के उपसर्ग। तीसरा है आगत यानी अरबी फारसी अंग्रेजी भाषाओं के उपसर्ग। और चौथा है उपसर्गों की तरह ही प्रयोग में आने वाले संस्कृत के कुछ शब्द या शब्दांश। पहला तत्सम यानी संस्कृत भाषा के उपसर्ग। जो उपसर्ग तत्सम अर्थात संस्कृत शब्दों के साथ हिंदी में आ गए हैं और तत्सम शब्दों के आरंभ में प्रयुक्त होकर नवीन शब्दों की रचना करते हैं वे तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। फिर से पढ़ रही हूँ परिभाषा। जो उपसर्ग तत्सम अर्थात संस्कृत शब्दों के साथ हिंदी में आ गए हैं और तत्सम शब्दों के आरंभ में प्रयुक्त होकर नवीन शब्दों की रचना करते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। अब तत्सम उपसर्गों के कुछ उदाहरण ले रहे हैं हम बेटा। उपसर्ग, उसका अर्थ और उपसर्ग से बने शब्द। पहला उपसर्ग हमने लिया अति, जिसका अर्थ है अधिक। तो उदाहरण हम ले रहे हैं अत्याचार यानी अति जमा आचार, मिलकर क्या बना, अत्याचार, अत्याचार और अतिरिक्त। दूसरा है अधि, अधि मायने
ऊपर या श्रेष्ठ, अधिमैने ऊपर या श्रेष्ठ। उदाहरण है बेटा, अधिकरण अधिकार। तीसरा है अप मायने बुरा, अप मायने अभाव। तो आपके उदाहरण यानी उपसर्ग, इस अप उपसर्ग से बने दो शब्द हैं अपमान अपशब्द। फिर से कर रही हूँ एक बार, अति अति का अर्थ है अधिक, उदाहरण है बेटा अत्याचार और अतिरेक। अधि अधि मायने ऊपर या श्रेष्ठ, उदाहरण है अधिकरण अधिकार। तीसरा है अप मायने बुरा या अप मायने अभाव, तो अपमान या अपशब्द। इससे आगे चौथा है अ, अ का अर्थ भी अभाव में ही है, तो अज्ञान अधर्म। अनु अनु मायने पीछे, अनु मायने समानता, तो अनुशासन अनुज। अभाव अज्ञान और अधर्म उदाहरण है अनु अनु मायने पीछे या समानता, उदाहरण है अनुशासन अनुज। छठा है आ, आ मायने और या तक, आकाश आदान। अव मायने हीनता, अवज्ञा अवकाश। उप मायने निकटता, उप का क्या अर्थ हुआ निकटता, उदाहरण है उपकार उपदेश। नौवां है परा, परा मायने उल्टा, पराजय पराक्रम। परा का अर्थ क्या है उल्टा, उदाहरण क्या है पराजय या पराक्रम। परी परी मायने आसपास, परिजन परिक्रमा। परी मायने आसपास, उदाहरण है परिक्रमा परिजन। अब है बेटा तद्भव यानी हिंदी भाषा के उपसर्ग। किस भाषा के, हिंदी भाषा के उपसर्ग। तद्भव अर्थात हिंदी के उपसर्गों का विकास संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से ही हुआ है। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास जो हैं कुछ उपसर्ग हैं हिंदी के, यानी तद्भव, तद्भव के उपसर्गों की हिंदी के उपसर्ग भी कहा जाता है, दूसरा नाम है इसका ये तद्भव उपसर्ग अर्थात हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ और उपसर्ग से बने शब्द। पहला उपसर्ग है अन, जिसका अर्थ है निषेध, उदाहरण है बेटा अनमोल अनपढ़। दूसरा है अध, अध मायने आधा, अध जला अध खिला अध पका। ठीक है, तो तीसरा है उन, उन मायने एक कम, 29 30 में एक कम, 49 50 में एक कम। फिर से करते हैं, अन मायने निषेध, उदाहरण है अनमोल अनपढ़। अध मायने आधा, अध जला अध खिला। उन मायने एक कम और उदाहरण है 29 49, 29 49। चौथा है भर, भर मायने पूरा, भरपेट भरपूर, भरपेट और भरपूर। पांचवा है दु, बुरा या हीन, दुबला दुकान। नि मायने रहित, निकम्मा निडर। फिर से पढ़ रही हूँ बेटा, भर मायने पूरा, भरपेट भरपूर। पांचवा है दु मायने बुरा या हीन, दुबला दुकान। और छठा है नि, नि मायने रहित, तो निकम्मा निडर। अगला है अभाव या निषेध, अछूत अटल, अछूत अटल। क मायने बुरा या हीन, कपूत कचोट। कु मायने भी बुरा, कुचाल कुचेला। फिर से कर रही हूँ, अभाव निषेध अछूत अटल। क बुरा हीन, क बुरा हीन, कपूत कचोट। फिर है कु का अर्थ भी बुरा है, कुचाल कुचेला। अगला है बेटा सु, सु मायने अच्छा, सु मायने अच्छा, सुगंध सुमन। पर दूसरा बाद का, दूसरा या बाद का, परलोक परोपकार। बिन, बिन मायने बिना, बिन मायने निषेध, तो बिन ब्याहा बिन बादल।
बिन ब्याहा बिन बादल। तीसरा है आगत उपसर्ग यानी विदेशी उपसर्ग। ये विदेशी उपसर्ग अपनी ही भाषा के शब्दों के साथ जुड़कर नवीन शब्द बनाते हैं, जो हिंदी भाषा में रच बस गए हैं। तो यानी कि ये विदेशी उपसर्ग, आगत उपसर्ग क्या है? विदेशी उपसर्ग। तो आगत उपसर्गों को दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं? विदेशी उपसर्ग। ये विदेशी उपसर्ग अपनी ही भाषा के शब्दों के साथ जुड़कर नवीन शब्द बनाते हैं और जो हमारी हिंदी भाषा में रच बस गए हैं, यानी कि हम उनका प्रयोग करते हैं। तो पहला है आगत यानी अंग्रेजी के उपसर्ग। हमने उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग ही किए हैं आगत उपसर्गों में। तो पहला हम क्या उदाहरण ले रहे हैं? अंग्रेजी के उपसर्ग। तो ये हैं उपसर्ग, उनके अर्थ और उपसर्ग से बने शब्द। पहला उपसर्ग है अंग्रेजी का सब। सब का अर्थ है अधीन, और इसका उदाहरण हमने लिया है सब इंस्पेक्टर। क्या है उदाहरण? सब इंस्पेक्टर। पहला उपसर्ग सब, अर्थ अधीन, उदाहरण सब इंस्पेक्टर। दूसरा है डिप्टी। डिप्टी का अर्थ है सहायक। तो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। तीसरा है वाइस। वाइस का अर्थ भी क्या है? सहायक, और उसका उदाहरण है वाइस चांसलर। फिर से उदाहरण पढ़ते हैं। सब अधीन, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी सहायक, डिप्टी कलेक्टर, वाइस सहायक, वाइस चांसलर। चौथा है जनरल। जनरल मायने प्रधान। तो जनरल मैनेजर। चीफ, चीफ मायने प्रमुख, प्रधान ही। चीफ मिनिस्टर। हेड, हेड मायने मुख्य, हेड मास्टर। तो जनरल प्रधान, जनरल मैनेजर, चीफ प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, और हेड, हेड मायने भी मुख्य, तो हेड मास्टर। इसका दूसरा यानी आगत का ही दूसरा उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग उनके अर्थ और उनसे बने शब्द। पहला उपसर्ग है ला। ला का अर्थ है बिना, लाचार, लाजवाब, लाचार और लाजवाब। बद, बद मायने बुरा, तो बदसूरत, बदनाम। ला, ला मायने बिना। ला का अर्थ क्या है? बिना, और उदाहरण क्या है? लाचार, लाजवाब। दूसरा है बद, बद मायने बुरा, बदसूरत, बदनाम। तीसरा है हम साथ या समान, तो हमराही, हम सफर, हमराज। चौथा है खुश। खुश मायने अच्छा, खुशबू, खुश किस्मत, खुशहाल। पांचवा है गैर। गैर यानी भिन्न, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। तो तीसरा हमने क्या लिया? हम साथ या समान। उदाहरण हुए हमराही, हम सफर, हमराज, खुश, अच्छा, खुशबू, खुश किस्मत, खुशहाल, गैर, भिन्न, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। अब है चौथा भेद। उपसर्गों की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के कुछ शब्द या शब्दांश। तो पहला हमने लिया है सम। सम मायने समान। समकालीन, समकोण, समभाव। सम समान, समकालीन, समकोण, समभाव। दूसरा है स्व। स्व मायने अपना। स्वदेश, स्वतंत्र, स्वराज्य। स्वदेश, स्वतंत्र, स्वराज्य। तीसरा है सह।
अर्थ है साथ, सह पाठी, सह मति, सह योग। चौथा है सु, सु मायने अच्छा, सुलभ, सुलभ जो अच्छा आसानी से प्राप्त हो जाए, सुयोग, सुपात्र, सुलभ, सुयोग, सुपात्र। और पांचवा है अंत है, अंत है मायने अंदर, अंत है करण, अंत है पुर। फिर से एक बार कर रही हूँ बेटा, सम समान, समकालीन, समकोण, समभाव। दूसरा है स्व मायने अपना, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वराज्य। तीसरा है सह, सह का अर्थ है साथ, सह पाठी, सह मति, सह योग। चौथा है सु, सु मायने अच्छा, सुलभ, सुयोग, सुपात्र। पांचवा है अंत है, अंत है मायने अंदर, अंत है करण, अंत है पुर। अब है बेटा उपसर्ग, हमने पढ़ा उपसर्ग का अर्थ, हमने पढ़ा कि उपसर्ग किन दो शब्दों से मिलकर बना है, उपजमा सर्ग से। उप का अर्थ है समीप, निकट, पास, और सर्ग का अर्थ है नया अर्थ बनाना, जोड़ना, नई नया जो है कुछ नया निर्माण, नव निर्माण करना। तो उपसर्ग का अर्थ हमने क्या पढ़ा, पास में बैठाकर नए अर्थ वाला शब्द बनाना। फिर हमने उसकी तीन गतियां यानी विशेषताएं पढ़ी, उसके बाद चार भेद पढ़े। चार भेदों के हमने काफी उदाहरण किए और अब है हमारे पास कुछ स्मरणीय बिंदु। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं। ये स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते हैं। तो पहला स्मरणीय बिंदु क्या है कि उपसर्ग जो है वो शब्द नहीं है, वो क्या है, शब्दों के अंश अर्थात शब्दांश, और इनका स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग नहीं होता है। दूसरा स्मरणीय बिंदु है हमारे पास बेटा, उपसर्गों से नवीन शब्दों की रचना होती है, स्वतंत्र रूप से इनका कोई महत्व नहीं होता है, और उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं, शब्दों के आरंभ में जुड़ते हैं। तो इस स्मरणीय बिंदु में हमने क्या जाना कि सबसे पहले तो हमने जाना कि उपसर्गों से नवीन यानी नए शब्दों की रचना होती है। उसके बाद हमने जाना कि इन उपसर्गों का स्वतंत्र रूप में कोई महत्व नहीं होता है, और तीसरी बात हमने जानी कि उपसर्ग मूल शब्द के कहाँ जुड़ते हैं, आगे यानी आरंभ में। तीसरा स्मरणीय बिंदु है बेटा, हिंदी भाषा में संस्कृत यानी तत्सम, हिंदी यानी तद्भव, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी यानी आगत, और इसके अलावा संस्कृत के कुछ उपसर्गों की तरह, जो कुछ शब्द या शब्दांश हैं जिनका उपसर्गों की तरह प्रयोग किया जाता है, वो हमने यहाँ पर पढ़ा। फिर है भाषा में शब्दों की रचना तीन तरह से होती है। देखो बेटा, हमने शब्द भेद पांचवा पाठ पढ़ा था, उस पांचवें पाठ के बाद हम तीन पाठ पढ़ेंगे बेटा, शब्दों की रचना कैसे होती है ये जानेंगे। तो पहला जो हम आज पाठ पढ़ रहे हैं ये भी क्या है, इसके द्वारा भी शब्दों की रचना होती है, उपसर्गों के द्वारा, प्रत्ययों के द्वारा और समास के द्वारा। तो यहाँ पर यही आपको बताया गया है, भाषा में शब्दों की रचना तीन तरह से होती है, उपसर्गों द्वारा, प्रत्ययों द्वारा तथा समास के द्वारा। अब है बेटा आपके पास गृह कार्य। गृह कार्य में आपके बेटा तीन प्रश्न हैं। इन तीन प्रश्नों के उत्तर जो हैं आपको मालूम है, सबसे पहले आप अपनी कच्ची कॉपी यानी रफ नोटबुक में लिखेंगे, और उसके बाद जब इसके आंसर्स आपको मिलेंगे
तब आप मैच करेंगे, आपने सही लिखा है या गलत, कुछ ऐड करना है, तो वो सारा करने के बाद ही आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर अपनी फेयर नोटबुक यानी पक्की कॉपी में लिख सकते हैं। तो हमारे ये तीन प्रश्न कौन-कौन से हैं? पहला है, उपसर्ग किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उपसर्ग किसे कहते हैं? यानी कि उपसर्ग की आपको क्या देनी है? परिभाषा, लेकिन एक उदाहरण के साथ। दूसरा है, हिंदी में उपसर्गों के प्रमुख भेदों के नाम लिखने हैं, कि उपसर्गों के कितने भेद हैं, ठीक है? और तीसरा है, उपसर्ग की तीन विशेषताएं अर्थात गतियां लिखो, यानी कि एक-एक उदाहरण दोगे तीनों गतियों के साथ। तो ये है आपका बेटा गृह कार्य, आज हमने पढ़ा उपसर्ग। मुझे आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा, और आपने ये तीन प्रश्नों के उत्तर कहाँ लिखने हैं? रफ नोटबुक यानी कच्ची कॉपी में। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में।